हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्लड प्रेशर क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ब्लड का प्रेशर, हमारा हार्ट एक पंपिंग मशीन की तरह है जो लगातार ब्लड को पूरे शरीर में भेजता है, जो खून की नली हार्ट से ब्लड पूरे शरीर में लेकर जाती है, उन्हें आर्टरीज कहते हैं। जब हार्ट इन आर्टरीज में ब्लड पंप करता है तो उस समय के प्रेशर को सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ब्लड पंप करने के बाद हार्ट रेस्टिंग फेज में होता है, उस समय के ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। प्रैक्टिकली ब्लड प्रेशर को नापने के दो तरीके हैं, मैनुअल स्फिग्मोमैनोमीटर बीपी मशीन और ऑटोमेटिक स्फिग्मोमैनोमीटर बीपी मशीन। मैनुअल बीपी मशीन से ब्लड प्रेशर ज़्यादा एक्यूरेट मेज़र किया जा सकता है, पर इसके लिए आपको ट्रेंड होना चाहिए। ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मशीन से ब्लड प्रेशर आसानी से मेज़र हो जाता है, पर इसमें मैनुअल की तरह एक्यूरेट ब्लड प्रेशर नहीं चेक हो पाता है। कब हम कहेंगे कि बीपी लो है और इसके कॉमन कॉज क्या हैं? प्रैक्टिकली अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से कम होता है तो हम कहते हैं कि बीपी लो है। ब्लड प्रेशर हमेशा एक सा नहीं रहता है। बीपी दिन के अलग अलग समय पर हमारी एक्टिविटीज़ के हिसाब से चेंज होता रहता है। जब हमारा शरीर रेस्ट करता है तो बीपी कम होता है। अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से शरीर की डिमांड बढ़ती है और हार्ट ज़्यादा तेज़ी से ब्लड को पंप करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है, कब कम होता है, ये सारा एक ऑटोमेटिक सिस्टम से ऑपरेट होता है, जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। हेल्दी लोगों में ये इतना स्मूथली काम करता है कि आपको इसका पता नहीं चलता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर थोड़ा कम रहता है पर उसको अपनी डेली रूटीन फिजिकल एक्टिविटी करने में कोई परेशानी नहीं होती है तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बॉडी उसी ब्लड प्रेशर पर एडजस्ट हो गई है और उसको कोई मेडिसिंस की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर अचानक से कम होता है तो हार्ट उसको कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा तेज़ी से ब्लड को पंप करता है। ये प्रोसेस स्मूथ होती है, पर कभी कभी ये प्रोसेस स्मूथ नहीं होती है और कुछ लोगों को घबराहट, चक्कर आना, आँखों के आगे अंधेरा आना, पसीना आना, इवन बेहोशी भी हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि लो ब्लड प्रेशर किन किन कारणों से हो सकता है। अगर आपको नॉर्मली बैठने या लेटने पर कोई भी परेशानी नहीं है पर अचानक खड़े होने पर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, आपको घबराहट, चक्कर, आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, तो इसका मतलब है आपको पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है। जब हम अचानक खड़े होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से ब्लड हार्ट में बहुत कम पहुंच पाता है। इसके लिए हार्ट ज़्यादा तेज़ी से पंप करता है और खून की नली कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं यानी सिकुड़ती हैं, जिससे खून तेज़ी से हार्ट में वापस आता है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट और स्मूथ होती है। आमतौर पर इसका एहसास नहीं होता है, पर जिन लोगों में पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है उनमें ये प्रोसेस स्मूथ नहीं होती और थोड़ी देर के लिए उनका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ऐसे लोगों को देर तक लेटे रहने के बाद तुरंत नहीं उठना चाहिए। आसानी से उठें, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें, प्रोटीन और मल्टीविटामिन रिच बैलेंस डाइट खाएं और दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पिएं। अगर आपको इससे भी आराम नहीं मिलता है तो आप अपने डॉक्टर से कुछ चेकअप कराएं। कुछ बीमारियों के लक्षण भी ऐसे हो सकते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है,
चाय, कॉफ़ी आदि से आपका ब्लड प्रेशर थोड़े समय के लिए ही बढ़ता है। चाय कॉफ़ी लेने से डिहाइड्रेशन बढ़ता है और ये समस्या थोड़ी देर बाद फिर से बन जाती है और बनी रहती है। नमक लेने का फ़ायदा तभी है जब शरीर में सोडियम की कमी हो। ज़्यादातर वॉमिटिंग या डायरिया की कंप्लेन होने पर शरीर में सोडियम और पानी की कमी हो जाती है। अगर आपके ब्लड में सोडियम का लेवल नॉर्मल है तो ज़्यादा नमक खाने से फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान हो सकता है। थोड़े थोड़े समय पर हल्का खाना खाते रहना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। बीमारी की वजह से कुछ लोगों को लंबे समय तक बेड रेस्ट करना पड़ता है, लेकिन जब बेड रेस्ट के बाद आप उठते हैं तो कुछ समय तक लो ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकती है। शरीर में वॉमिटिंग, लूज मोशन, ज़्यादा स्ट्रीनियस एक्सरसाइज करने से डिहाइड्रेशन हो जाता है और पानी की कमी हो जाती है, इससे ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसको पूरा करने के लिए आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी भी तरह की विग्रस एक्सरसाइज करते वक्त आप लिक्विड का यूज़ भी करते रहें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। किसी भी कारण से ज़्यादा ब्लड लॉस होने पर ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ये एक्सीडेंट, सर्जरी, ट्रॉमा आदि में कॉमनली पाया जाता है। सीवियर इन्फेक्शन में भी कई बार ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसे सेप्टिसिमिक शॉक कहते हैं। कार्डियक डिजीज़ में भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर तीन हार्ट की पिक्स हैं। पहले में हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल है, दूसरे में वो नॉर्मल से थोड़ी लो है और तीसरे में वो नॉर्मल से तेज है। जब हार्ट धीरे पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इसे ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। ज़्यादा तेज़ी से पंप करने पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इस कंडीशन को टैकीकार्डिया कहते हैं। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जैसे एनाफाइलेक्सिस में भी ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो सकता है। कई बार लो ब्लड शुगर होने पर भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट में ऐसा होना कॉमन सी बात है। ज़्यादा चाय और कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये शरीर में डिहाइड्रेशन को बढ़ाते हैं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है उन लोगों को स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ देनी चाहिए। और जो भी कारण मैंने बताए हैं इन कारण का आपको इलाज करा लेना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, बैलेंस डाइट खाइए, इससे आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पे मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।